नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाद में। आज हम लोग बात करेंगे फिर से एक बार रिलायंस कैपिटल की। जी हाँ, बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, सब पे चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक धैर्य के साथ देखिएगा और काफ़ी कुछ जानने को सीखने को मिलेगा। देखिए, मैं सारी जो ये न्यूज़ होती है उनको आपके सामने इसलिए लेके आता हूँ ना, आप चीज़ों को खुद समझें, है ना। और अभी ये IRP की स्टेज 1 में चल रहा है और मंडे ट्रेड हो रहा है, आपको पता है। और जिसका पैसा लगा है, मुझे पता है उसका पैसा अभी काफ़ी बड़े रिस्क पे भी है, क्योंकि जो रेजोल्यूशन प्लान है अभी तो रेजोल्यूशन प्लान एक्सेप्ट हो रहा है। क्या रेजोल्यूशन प्लान में है ये लिस्टिंग, मतलब कुल मिला के जो इसकी लिस्टिंग है, जैसा ये चलता रहेगा ऐसा ही है, इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। अब ये सारी चीज़ें कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन ये मान के करिए चलिए ज़्यादातर मामलों में ज़ीरो हो जाता है शेयर। तो इसलिए आप उतना ही पैसा इसमें लगाएं सोच समझ के, इसमें अगर मौका लगे तो आप निकलिए, मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल व्यूज़ के हिसाब से। दूसरा, हमारा टेलीग्राम चैनल है, टिप वगैरह के चक्कर में आपसे रिक्वेस्ट है, मन ज्वाइन करिएगा। कोई न्यूज़ वगैरह मैं इसमें डालता रहता हूँ, अपने YouTube वीडियो के लिंक शेयर करता हूँ, कई बार YouTube नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। और ये जो न्यूज़ थी यहाँ पर, ये मैंने कल ही डाल दी थी यहाँ पर, तो इसलिए आप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जो भी कुछ होता है मैं इसमें बताता रहता हूँ आप लोगों को, ठीक है गाइस। और ये कल रात की न्यूज़ है, देखिए यहाँ पर जो भी न्यूज़ है मैं ना इसको सब कवर करूँगा, बहुत ही जो केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही यहाँ पर डिस्कस करी जाएगी। तो ये कल रात की न्यूज़ है 18 जनवरी की, लगभग 21:39 की। NCLT डिलेज फ्रेश ऑक्शन फॉर रिलायंस कैपिटल। बिल्कुल, तो यहाँ पर NCLT ने डिले किया है, रोक नहीं लगाई, एक तरह से कहेंगे इसको डिले किया है। अभी आगे देखेंगे तो आपको खुद क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि क्या मामला है। द NCLT ऑन वेंसडे आस्क द लैंडर्स, यानी कि बुधवार को इन्होंने लैंडर से पूछा, कितने NCLT ने, कि जो सेकंड ऑक्शन आप कराना चाह रहे हैं ना रिलायंस कैपिटल के लिए, उसको डिले कर दिया जाए, जो कब, आज यानी कि बृहस्पतिवार को, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब, यानी बृहस्पतिवार को होनी थी। और कब तक के लिए डिले करने के लिए बोला है, 23 जनवरी तक, एज इट कुड नॉट कम्प्लीट हियरिंग आर्गुमेंट फ्रॉम बोथ साइड। बिल्कुल, क्यों, क्योंकि इतना सारा अभी रायता फैला हुआ है दोनों तरफ से, तो अभी ये हियरिंग आर्गुमेंट कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए कोर्ट ने क्या किया है कि भैया आप अभी तब तक ऑक्शन नहीं कराएंगे जब तक यहाँ पर हम दोनों पक्षों को सुन नहीं लेते हैं। तो जब तक कोर्ट सुनेगा तब तक कोर्ट ने कहा कि भैया 23 जनवरी तक हम इसको आगे बढ़ा दीजिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको पता ही है कि 12 जनवरी को जो टोरेंट है वो कहाँ पहुँच गया था, NCLT पहुँच गया था। क्यों, अपना ये जो सेकंड राउंड की जो बिडिंग कराना चाह रहे हैं ये रिलायंस कैपिटल, उस पर रोक लगाने के लिए। और जो ये 19 तारीख को भी आज ही होनी थी, सेकंड ऑक्शन आज ही होना था, लेकिन फिलहाल अब तो NCLT ने ही रोक लगा दी है, रोक दिया मतलब पोस्टपोन कर दिया 23 तक। और यही है, क्या कहते हैं, टोरेंट ने कंप्लेन भी करी थी और एप्लीकेशन फाइल कर ली थी NCLT में कि भैया यहाँ पर इसको अभी डिले किया जाए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो जस्टिस थे उन्होंने ये क्या कहते हैं एक्सटेंड करिए, इससे खैर हमें इतना मतलब नहीं है, बस मेन मैटर ये है कि द हियरिंग ऑन मैटर विल कंटिन्यू ऑन थर्सडे ऑल्सो। तो यहाँ पर आज थर्सडे है और आज यहाँ पर हियरिंग चल रही होगी। अच्छा, दूसरा रवि कदम साहब क्या कह रहे हैं ये देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से रिप्रेजेंटेटर हैं, ठीक है, उनका कहना क्या है कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स हैज़ द राइट टू कॉल फॉर न्यू रेजोल्यूशन प्लान। बिल्कुल, यहाँ पर कह रहे हैं कि COC यानी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास पूरा अधिकार है न्यू रेजोल्यूशन प्लान को बुलाने के लिए या एक्सेप्ट करने के लिए, COC के पास पूरी पावर है। और ये क्या कह रहे हैं कि जो सारी बिड्स हैं वो अभी स्टिल वैलिड, मतलब ऐसा नहीं कि जो हिंदुजा वाली बिड है वो अभी बेकार हो गई है। तो इनका कहना यह है, रवि कदम साहब का, कि अभी ये जो बिड्स हैं ये अभी भी वैलिड हैं। और COC क्या चाहता है कि क्या कोई बढ़िया ऑफर और आ रहा है या और है, ही स्टेटेड, उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई। अब हम आते हैं दूसरी न्यूज़ पे, ये तो न्यूज़ हो गई जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी गाइस, वही मैंने आपसे डिस्कस करी हैं। दूसरी न्यूज़ पे क्या देखते हैं क्या चल रहा है कि रिलायंस कैपिटल एडमिनिस्ट्रेटर डिडंट वॉलेट एनी ऑर्डर काउंसिल टेल्स कोर्ट। बिल्कुल, यहाँ पर जो काउंसिल है यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर का साइड है भाई, जैसे आप जानते हैं एक चीज़ की, टोरेंट लगातार आरोप लगा रहा है कि यहाँ पर ऑक्शन जो है वो गलत तरीके से हो रहा है, हमने जब बोली को जीत लिया है तो हिंदुओं को अलाउ नहीं करना चाहिए, और वो NCLT पहुंचा। तो यहाँ पर अब भैया ये भी तो अपना पक्ष रखेंगे ना, रिलायंस कैपिटल के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो उन्होंने यहाँ पर यही सारी चीज़ें कही हैं कि इन्होंने कोई भी नियम कानून नहीं तोड़ा है। एडमिनिस्ट्रेटर क्या कह रहा है, उनका कहना सिर्फ इतना है कि हमारा मेन काम है कि जो एसेट्स हैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिले हमें, सीधी सी बात है, और बाकी जो जैसे इसके सारे नियम कानून हैं, हमने कोई ऐसा नियम कानून नहीं तोड़ा है और हम सब कुछ उसी हिसाब से कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने कोर्ट को बताया। यहाँ पर यह भी बताया कि जो सेकंड राउंड की बोली लगने वाली है, यानी कि ये चैलेंज मैकेनिज्म है, वहाँ पर ये किसी भी तरह का कोई ऐसा इनका लगाव नहीं है, कोई इनका पक्षपात नहीं है, जो जैसा नियम कानून के तहत है वही सारी चीज़ें यहाँ पर करी जा रही हैं।
तो गाइस अभी तक सारी जितनी भी अपडेट है वो यहाँ पर मैंने कवर कर दी है। इससे पहले की जो अपडेट थी अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल में आप जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा रिलायंस कैपिटल अपडेट करके एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप उसमें जाइए, आपको रिलायंस से रिलेटेड जितना भी सब कुछ है मैंने वहाँ पर बताया है। तीसरी चीज़ क्या है कि गाइस नए लोग जो है ना, बिल्कुल जो न्यू एंट्रीज में करना चाह रहे हैं बिल्कुल बच के रहिए, पैसा फंस जाएगा आपका, आप बता रहा हूँ मैं, परेशान हो जाएंगे पूरा। जिन्होंने ऊपर ले रखा है एवरेज करने की गलती कतई मत करिएगा, जिन्होंने नीचे ले रखा है प्रॉफिट हो रहा है बुक करके प्रॉफिट निकल जाइए, क्योंकि अब ये मंडे अभी आपको कई लोअर सर्किट दिखाएगा और ये हो सकता है 5 रुपये और हो सकता है 3 रुपये पे भी आते हुए आपको नज़र आए, तो इसलिए ये चीज़ों को सावधानी के साथ करेंगे। तीसरा और एक चीज़ क्या है गाइस, इसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहे अगर आप फ्री डीमैट अकाउंट खोलना एस्प्रेसो शेयर खान या फिर एलाइज ब्लू के साथ, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप चाहें तो उसको खोल सकते हैं और मेरा सपोर्ट आपको ऑल टाइम के लिए यहां पर देखने को मिलेगा। चलिए गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।